हेलो दोस्तों, मैं सोनी और आज मैं आपको बताऊंगी क्या करें कि लड़की आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों देखो, ये रीत ना बहुत पुरानी चली आई है कि हमेशा लड़के ही लड़कियों के पीछे भागते हैं, लड़के ही अटेंशन देते हैं। बेचारे लड़के ही उनके पीछे भागते हैं, उनको अटेंशन दे दे के थक चुके हैं, हार मान चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी कुछ ऐसे काम करके लड़की को अपने पीछे भगा सकते हो? कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिससे लड़के आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं? आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम कि खुद पर काम करना स्टार्ट करो। दोस्तों देखो, हम जब कि खुद पर काम नहीं करते हैं तो हम थोड़े से लेजी दिखते हैं। जैसे आपने एक दिन बाल ना बनाए हो, कंघी ना करी हो, तो क्या होगा, कोई भी आपको पसंद नहीं करा, और ऐसा लगेगा आप नहाने के बाद भी नहाए धोए नहीं लगोगे। तो इसलिए खुद पर काम करते रहें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप खुद पर काम करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए एफर्ट लगाओगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पहला तो आप कॉन्फिडेंस रहोगे, दूसरा आप खुद को अट्रैक्टिव बनाते रहोगे, और जब आप अट्रैक्टिव दिखोगे, जब आप खुद पर एफर्ट लगाओगे, तो इससे क्या है, आपकी जो एक तरह से आप में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, तो हर कोई आपसे बात करना, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होना पसंद करेगा। क्योंकि अगर आप अट्रैक्टिव हो तो हर कोई आपको नोटिस करेगा, तो इसके लिए आपको लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़की खुद आपको अटेंशन देगी, वो खुद आपके आपसे बात करने के लिए मजबूर होगी कि वाह यार, इतना हैंडसम लड़का है, इसका हेयर स्टाइल कितना मस्त है, इसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ये सारी बातें उसके मन में खुद चलेगी और खुद वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। इसके अलावा दूसरा काम है कि आप उसे मौका दो कि वो आपके पीछे आए। मोस्टली लड़के क्या करते हैं कि लड़की देखे नहीं और उसके पीछे बोलिए, उसे अटेंशन पे अटेंशन दिए जाते हैं, ठीक है, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहने के लिए तैयार होते हैं। लड़की ने कॉल करा नहीं कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, तो तुरंत भागे भागे आ जाते हैं। तो ऐसा काम मत करो। अगर आप इस तरीके से दिखाओगे ना, तो एक तरह से आप मेरी लगते हो, ठीक है, उसे लगता है कि आप उसके लिए पागल हो, उसे पाना चाहते हो, तो इससे क्या है, वो जानबूझकर आपसे दूर भागेगी। उसे पता है कि ये मेरे पीछे भागने वाला है, ठीक है, मैं इसके पीछे भागने नहीं वाली हूँ। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा उसे मौका दो कि वो आपके पीछे आए। तो इसके लिए क्या है, वो अटेंशन बनाकर रखो, लेकिन लिमिटेड अटेंशन दो, ठीक है। उस अटेंशन में आप उससे थोड़ी सी दूरी भी बनाओ, ठीक है, थोड़ी सी केयर भी दिखाओ, जितनी भी आप अटेंशन दे रहे हो उसको रिस्पेक्ट भी दो, ताकि वो आपको बिल्कुल अवॉइड ना करें, ठीक है, और वो आपके पीछे भागे। उसे जब आप मौका दोगे तो ही तो लड़की आपको कॉल या मैसेज करेगी। अगर आप ही अपनी तरफ से कॉल या मैसेज करते रहोगे तो वो क्यों आपको कॉल करेगी? उसे पता है कि अब मैं कॉल नहीं करूंगी तो सामने वाला पर्सन कॉल कर ही लेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मौका दें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके पीछे भागे, ठीक। इसके अलावा अगला काम क्या करना है, वो ये है कि लड़की और अपने बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ऐसा रिश्ता जिसमें वो आपके साथ कंफर्टेबल भी फील करे, आपके साथ सेफ भी फील करे, उसे लगना चाहिए कि आपके साथ वो पूरी तरह से सिक्योर फील करती है, ठीक है। जिस तरह से वो आपके साथ होती है, खुलकर बात करती है, आपके साथ जैसा फील होता है, उसे और किसी लड़के से बात करते टाइम नहीं फील होता है, तो उसके चांस ज्यादा होंगे कि आप अगर उससे दूर भी जाओगे ना तो भी वो आपके पीछे भागेगी, ठीक है। क्योंकि हम एक तरह से हर कोई किसी के पीछे भागना चाहते हैं, बट क्या है, आप उसको मौका दो, उसके एक तरह से उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, उसकी कमजोरी को जान लो कि वो आपके पीछे आएगी ही आएगी। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिसे करने के बाद आप जो है लड़की को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।